शॉट ऐसे मारता है जैसे क्रेज गर्ल का बच्चा और गेंद नहीं खो देता है। अरे ऐसे तो ना बोलो यार, वो भी हमारा दोस्त है, आज नहीं तो वो कल वैसे मिला लेगा, उसको भी खिला लो। ओ भाई तो चुप कर। हाँ हाँ ठीक कह रही है, चल निकल यहाँ से। क्यों बेटा? मेरे पास गेट में मिलाने के लिए पैसे नहीं है। जब मैं शाम को पैसे लेकर आऊंगा तो अपने बेटे के लिए ईद के कपड़े भी लाऊंगा और नई बॉल भी लेकर आऊंगा। सच पापा? जी हाँ बेटा। बेटा मेरे पास पैसे आ गए थे, मैं तुम्हारे लिए ईद के कपड़े और बॉल लेने भी गया था, लेकिन रास्ते में मुझे डाकुओं ने लूट लिया। पता नहीं अब हम इस साल ईद भी मना सकेंगे कि नहीं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। यार हामिद बड़ा अफसोस हुआ, तुम्हारे अब्बू से डाकू पैसे छीन कर ले गए। तुम्हें कैसे पता? दरअसल जब तुम्हारे अब्बू तुम्हें बता रहे थे तो मैं मुझे पीछे ही खड़े हुए थे। हमें जो ईद होती है ना, ये हम सबको मिलवाने के लिए होती है, जबी तो हम सब इस पर गले मिलते हैं। अब तुम हमारे साथ क्रिकेट खेलना, चाहे गेंद में पैसे भी ना मिलाना। इसलिए हम सब ने फैसला किया कि हम सब मिलकर ईद मनाएंगे। ईद मुबारक। तुम्हारा तो बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें भी ईद मुबारक। वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, पर किसी किसी को चुनता है वो मौला। खुद ही पढ़ लेगा जो है दूर पास बुलाए। हम अपना नाम बताएंगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारा धर्म रख लिया। वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, लिख लिख दुआ।